और ये अच्छा लग रहा है कि सब एक ही समान एक ड्रेस, ग्रीन ड्रेस में, जो कि ये सावन को सेलिब्रेट करना तो प्रतीक करता ही है, साथ में एक यूनिटी का भी प्रतीक है। वो दिखा रहा है कि हम यूनाइटेड हैं और अपनी खुशी के लिए सब एक दूसरे से मुस्कुरा के एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। कोई किसी को ग्रीन चूड़ी पहना रहा है, कोई मांग टीका लगा रहा है। तो ये एक बिलोंगिंगनेस है जो कि आपस में प्रेम को बढ़ाता है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि ये सावन केवल एक फीमेल्स के लिए नहीं, मैन फीमेल, मैं कुछ रिपोर्टर्स को भी ग्रीन ड्रेस में देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वो देख अच्छा, के। ये भी अच्छे लग गए। तो ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल कि हम लोग खुश रहे और खुशियाँ बांटे। सो एज अ मनोचिकित्सक मेरा यही संदेश होगा कि खुद को प्रायोरिटाइज करें और खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप खुश हैं तो सब कुछ आपके पास है। हम मेरे पास जो महिलाएं आती थी, आज जो सावन का ये रखे हैं, और दूसरा है कि आज फ्रेंडशिप डे भी है। तो मेरे पास जितने लोग आते थे सब लोग अपना घर का काम किए, और जो वर्किंग लेडी हैं वो तो वर्किंग हैं तो बाहर जाती हैं तो उनका ये हो जाता है, लेकिन जो घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का ये नहीं होता है कि हाँ बाहर जा करके ये करे। तो अपनी जितनी भी फ्रेंड थी मैं उन लोगों को बाहर निकाली घर से। मैं सोची कि बाहर जा करके इस तरह का कुछ प्रोग्राम करते हैं जिसमें सब लोग एंजॉय करें, और आज दिन भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप डे है इसकी वजह से। आज के दिन में क्या और क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप अभी सब लोग जो भी लेडीज हैं डांस करेंगे, म्यूजिक, फन, यहाँ गेम करने आए हैं। कावेरी पांडे जी अपने सत्या सैलून के तरफ से मिलन समारोह रखी हैं, उसी में हम लोग इनवाइटी हैं, और कावेरी जी अक्सर इस तरह का प्रोग्राम पहले भी करती आई हैं, कर रही हैं। सो इनका सब बढ़ाने के लिए हम लोग सावन मिलोत्सव रखे हुए हैं, लोगों से मिलने